हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किट के वोल्टेज के बारे में। जैसे कि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मुझसे ये बोल रहे थे जो हमारे व्यूअर हैं कि सर हमें ये बताइए कि किस पॉइंट पर कितने वोल्ट होने चाहिए इस कलर टीवी किट में। तो आज की वीडियो मैंने इसी बेस पर बनाई है और इसमें मैंने स्टेप बाई स्टेप समझाया भी है कि कहाँ पर कितने वोल्टेज होने चाहिए और अगर नहीं है इतने वोल्ट तो उसका क्या सोल्यूशन है, वो कैसे पूरे करे जाएँ। तो वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और जो व्यूअर इस मदरबोर्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं हमारी वेबसाइट से, उसका लिंक उन्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। बल्क में भी अवेलेबल है और सिंगल पीस भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए और पूरी वीडियो देखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सप्लाई सेक्शन के बारे में कि सप्लाई सेक्शन में कितने वोल्टेज होने चाहिए। साउंड सेक्शन के बारे में जानेंगे फिर, और फिर वर्टिकल सेक्शन, हॉरिजॉन्टल, क्रोमा सेक्शन, स्टेप बाय स्टेप हम सभी सेक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि कहां पर कितने वोल्टेज होने चाहिए और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो कैसे वो रिपेयर होगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कोई भी जब हम वोल्टेज चेक करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले मीटर में हमारे दो पिनें होती हैं, एक ब्लैक और एक रेड। तो देखिए, हमें जो ब्लैक वाली हमारी पिन होती है उसको हमेशा हमें ग्राउंड कर देना है। ग्राउंड कौन कौन सा होता है? ये हीट सिंक होती है जो हीट को ट्रांसफर करती है, ये भी ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। यहाँ से ग्राउंड नहीं लेंगे, यहाँ से ग्राउंड तब लेंगे जब हम सप्लाई सेक्शन के वोल्टेज चेक करना हो, तब हम यहाँ ग्राउंड लेंगे और इस पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव पर लगाएंगे जहाँ हमें वोल्टेज चेक करने हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बता दूँ सप्लाई सेक्शन में होता क्या क्या है। तो देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये किट बीयू सप्लाई में बनी हुई है। ये देखिए, यहाँ बीयू का मतलब 1802, इसका जो वैल्यू होती है इसका 1802, इस बीयू की वैल्यू होती है। और इसमें कंपोनेंट की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 15 के की दो पोली हैं, एक पोली है 15 के की, एक ये है। ये अगर ना भी हो तो भी किट ऑन हो जाएगी, और अगर ये 15 के से कम 12 के है तो भी किट ऑन हो जाएगी, लेकिन 12 के से कम है तो किट के वोल्टेज कम आएंगे, मतलब कम सप्लाई जनरेट होगी। और इसकी बात करें, ये एक ट्रांजिस्टर होता है जो हमारे 1802 बीयू को बेस को वोल्टेज देने का काम आता है। इसकी वैल्यू 2655 हो सकती है या 3807 हो सकती है। उसके बाद हम ये 2K7 या 2K2 या 1K5 कोई सी पोली यूज़ कर सकते हैं यहाँ, लेकिन याद रहे 5K6 से ऊपर की वैल्यू ना हो। और फिर हमारा ये ऑटो कपलर आता है PC817, और फिर ये आगे का दूसरा सेक्शन आ जाता है, इसके बारे में बाद में जानेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ 68 ओम की रेजिस्टेंस होते हैं, या 27 ओम भी यूज़ कर सकते हैं, 22 ओम भी यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके बैक साइड से कि अगर वोल्टेज नहीं है कहीं तो क्यों नहीं और कहाँ पर कितने होने चाहिए। तो देखिए, ये हमारा जो मेन कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू 100 माइक्रोफेरड और 450 वोल्ट या 400 वोल्ट या 500 वोल्ट इस टाइप से होती है। 100 माइक्रोफेरड से कम का अगर हम कैपेसिटर यूज़ करेंगे यहाँ पर, ये जो मेन कैपेसिटर होता है, तब क्या प्रॉब्लम होगी, सप्लाई हमारी कम बनेगी क्योंकि ये चार्ज को कम्प्लीटली स्टोर नहीं कर पाएगा। तो अब आगे की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर हमारी सप्लाई डेड है, उसमें वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस आउटपुट वाली जो ये एक 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है जो FBT को वोल्टेज देती है, इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने से क्या होगा, जो सप्लाई है वो फ्री हो जाएगी इस सेक्शन की, मतलब कोई लोड नहीं रहेगा। अब देखिए, ऐसे तो ये वर्टिकल IC शॉर्ट होगी तो भी वोल्टेज नहीं बनेंगे, लेकिन जो मेन है वो हमें सबसे पहले इसको ओपन कर देना है, फिर अगर डेड है तो ऑन नहीं है। और अब बात आती है वोल्टेज की। तो देखिए, अगर हम यहाँ वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें मीटर को DC वोल्ट पर करना है, क्योंकि ये जो डायोड लगे हुए हैं 5399 चार डायोड है, इससे पहले AC सप्लाई है, लेकिन इसके बाद जो भी हम यहाँ चेक करेंगे वो DC सप्लाई रहेगी, हाई वोल्टेज में रहेगी। यहाँ अगर हम DC सप्लाई पर यहाँ नेगेटिव वाली पिन लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ पॉजिटिव वाली लगाएंगे, तब क्या होगा, यहाँ वैल्यू 300 से ऊपर आनी चाहिए। अगर इतनी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब यहाँ तक हमारी सप्लाई ठीक है। उसके बाद आती है 120K की रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस ये 120K की और दूसरी ये है, जो कि ये सीरीज़ में है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव के वोल्टेज यहाँ गए, यहाँ से सीरीज़ के थ्रू यहाँ चले गए। अब यहाँ पर काफ़ी सारे कंपोनेंट है, तो देखिए यहाँ कंफ्यूज होने वाली जरूरत कोई चीज़ नहीं है। हमें एक मीटर की एक पिन को यहाँ नेगेटिव पर रखना है और दूसरी पिन को इस पॉइंट पर रखकर हमें वोल्टेज चेक करना है 120K की लास्ट वाली जो पिन है उस पर। अगर यहाँ 15 वोल्ट से ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा यहाँ तक का सेक्शन ठीक है, लेकिन अगर 15 वोल्ट से कम है तब क्या है, या तो ये पोली हमारी शॉर्ट हो सकती है, जो 2K7 की पोली है ये शॉर्ट हो सकती है, या फिर ये भी शॉर्ट हो सकती है, या फिर ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। देखिए 764 ट्रांजिस्टर होता है ये लगा हुआ, ये 764 ट्रांजिस्टर है, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, ये 764 ट्रांजिस्टर है, 2655 से भी मैंने बताया था। तो यह 764 की बात करें तो ये इतनी आसानी से ख़राब नहीं होता, लेकिन ये ख़राब कब होता है वो मैं आपको बता दूँ। अगर
इसको पॉजिटिव वोल्टेज चले जाएंगे इसकी किसी पिन को, अगर यहाँ पर ये तीन रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, अगर इसी जो 22 ओम या 68 ओम की रेजिस्टेंस है इसको हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे तब इसको वोल्टेज चले जाएंगे, तब ये ख़राब होगा। इसके ख़राब होने का मतलब है कि यहाँ पर जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तब यहाँ 2.3 या 2.4 वोल्टेज दिखा रहा है, अगर ये इस इतने वोल्टेज यहाँ दिखा रहा है तो 100% आपका 764 ट्रांजिस्टर ख़राब है, अगर बाकी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। अब चलिए बात करते हैं इस 1802 बी ओ की। तो देखिए इसकी ये वाली जो एक पिन होती है ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है, दूसरी पिन ये बेस होता है और ये इसका कलेक्टर होता है जो हमारे SNPS ट्रांसफार्मर की पॉजिटिव वाइंडिंग से कनेक्ट होता है। अब क्या होता है, नेगेटिव तो हमने दे दिया इसको, पॉजिटिव भी मिल जाएगा, लेकिन मेन दिक्कत आती है बेस की कि अगर बेस को वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो देखिए बेस को वोल्टेज देने के लिए यहाँ 2655 ट्रांजिस्टर या फिर 3807 ट्रांजिस्टर हो सकता है कुछ भी। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो वोल्टेज आपको जीरो दिखाएगा क्योंकि ये ग्राउंड है। और हमेशा ध्यान रखें जब भी हम इस सप्लाई सेक्शन को चेक कर रहे हो तो जो हमें ग्राउंड लेना है किट का वो हमें यहीं से लेना है, या तो इस हीट सिंक से ले लो ग्राउंड, या नीचे से कहीं से भी जहाँ से हीट सिंक का पॉइंट है इस पॉइंट से ले लो, इस पॉइंट से ले लो, या कैपेसिटर के इस पॉइंट से ले लो ग्राउंड, हमें इधर का ग्राउंड नहीं लेना। अगर हम इधर ग्राउंड लेंगे तो वोल्टेज वेरी करेंगे, वोल्टेज हमेशा गलत आएंगे और ना ही हम कोई फॉल्ट निकाल पाएंगे। इस सेक्शन के लिए इधर का ग्राउंड, इसके लिए इधर का ग्राउंड लेना है। तो देखिए अगर हम बात करें बेस के वोल्टेज की, तो सबसे पहले बता दूँ बेस का जो वोल्टेज है वो हमेशा, अगर आपका ट्रांजिस्टर ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन ऑन नहीं हो रही, सबसे पहले हमें चेक करना है बेस वोल्टेज। देखिए बेस वोल्टेज हमेशा 1 से कम होने चाहिए, मतलब 0.3 0.4 0.5 0.8 तक अगर वोल्टेज आ रहे हैं इसका मतलब हमारा ये 3807 सही से काम कर रहा है और ये यहाँ पर वोल्टेज दे रहा है। और अगर इसकी बात करें कई बार क्या होता है वोल्टेज बनते लेकिन ऑन नहीं हो पाते, उस केस में क्या होता है हमारा ये कहीं ना कहीं या तो प्रिंट टूटा हुआ होता है कलेक्टर का या फिर कहीं से कुछ और प्रॉब्लम होती है। तो देखिए हमें यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कर लेने हैं, अगर यहाँ जितने वोल्टेज यहाँ थे 300 के करीब अगर इतने आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सेक्शन हमारा ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी सप्लाई नहीं बन रही है या कम बन रही है, उस केस में क्या होगा, हमें ये 15 क्योंकि पोली होती है इसको चेक कर लेना है या इसको रिप्लेस कर देना है या फिर इसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ाकर लगा देनी है। अगर वोल्टेज कम बन रहे हैं तो वोल्टेज इसकी वैल्यू बढ़ा दीजिए, वोल्टेज सही हो जाएंगे। और वैसे 15 के की पोली अगर लगाओगे तो कभी भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। और अगर ये जो दूसरी वाली पोली है इसको आप ना भी लगाओ तो भी काम वो सॉरी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन इसको लगाना ज़रूरी है, ये बेस की प्रोटेक्शन करने के लिए होती है। आप देखिए किस किस केस में कितने कितने वोल्टेज बनते हैं, पहली बात मैं ये बता दूँ ये व्यू की किट है तो इसमें क्या होगा हमेशा ओवर वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। जो STR वाली किट होती है उसमें हमेशा लो वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है, लो का मतलब ब्लिंक करने लगती है सप्लाई, जैसे ऑन ऑफ होता है उस टाइप से जो हमारा IR LED होती है वो ब्लिंक करने लगती है, लेकिन ओवर वोल्टेज आती है। ओवर वोल्टेज के कारण क्या क्या है, 764 ट्रांजिस्टर आपका ओपन है नहीं लगा हुआ या ख़राब है या कोई अंदर से ओपन है, तब ये हमारा ओवर वोल्टेज बनेंगे। ओवर वोल्टेज का मतलब है हमें इस डायोड पर जो है 110 का 110 वोल्ट का डायोड होता है यहाँ हमें 180 170 इस टाइप से ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर हमारा ये ट्रांजिस्टर ओपन है ये हमने नहीं लगाया या ये डैमेज है, अगर ये डैमेज है तो दो कंडीशन है, या तो व्यू को ऑन नहीं होगा या फिर यहाँ ओवर वोल्टेज बनेंगे। अगर बेस को वोल्टेज नहीं जाएंगे तो भी ओवर वोल्टेज बने। तो देखिए एक फॉल्ट को पकड़ने के लिए काफ़ी सारे कारण होते हैं, एक और रीज़न होता है कि हमारा ऑटो कपलर अगर ओपन है तो भी हमारे वोल्टेज ज़्यादा बनेंगे, मतलब ओवर वोल्टेज बनेंगे। तो जैसे 400 ट्रांजिस्टर होता है ये अगर हमारा ओपन है तो भी हमारे ज़्यादा ही वोल्टेज बनेंगे, और अगर ये शॉर्ट है तो हमारे वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनेंगे, ये शॉर्ट है तो वोल्टेज बिल्कुल नहीं बनेंगे। और एक और चीज़ होती है इसमें, यहाँ पर एक 104 पोली होती है, इसको 100 के की पोली होती है, अगर हमारा सब कुछ ठीक है लेकिन ये पोली ख़राब है तब क्या होगा, तब भी कोई वोल्टेज नहीं बनेगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज शो नहीं करेगा। तो ये वैसे बहुत कम ख़राब होती है लेकिन इसको चेक करने के लिए यहाँ एक 2.2 ओम या 1 ओम की रेजिस्टेंस होती है 1/8 वाट में, उसको चेक कर लीजिएगा कि ग्राउंड पर मीटर रख के एक बार को दूसरी पिन को यहाँ रख के जाके कंटिन्यूटी पर मीटर बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ तक वोल्टेज निगेटिव के आ रहे हैं। तो देखिए ये तो हो गए सप्लाई सेक्शन की बात, जैसे मैंने बताया यहाँ पर वोल्टेज आपके सबसे पहले यहाँ वोल्टेज चेक करने हैं, यहाँ वोल्टेज होने चाहिए आपके 15 से ऊपर और 20 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो हमारा 700 ट्रांजिस्टर है उसकी इन दोनों पिनों पर भी लगभग इतने ही वोल्टेज होने चाहिए। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर हमारा जो इसका बेस है उस पर 1 वोल्ट से कम होना चाहिए, इतना सब कुछ काफ़ी है सप्लाई को रिकवर करने के लिए। और एक बार और हमें पूरे SNPS को चेक कर लेना है कि कहीं से कोई वाइंडिंग ओपन तो नहीं है। इसमें क्या होता है इन दोनों पर कंटिन्यूटी बोलेगी मीटर की और इन दोनों पर बोलेगी, अगर किसी और पर बोल रही है तो हमारी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इधर की बात करें तो इधर का ग्राउंड लेकर इन सब पर कंटिन्यूटी बोलनी चाहिए बस इस वाली पिन को छोड़कर, तो इसका मतलब हमारा SNPS बिल्कुल सही है। और कोई सी भी इधर की वाइंडिंग इधर से शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ये प्राइमरी वाइंडिंग होती है सेकेंडरी वाइंडिंग होती है।
तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम साउंड सेक्शन की। देखिए साउंड सेक्शन से पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर तो हमारे जो SMPS है कितने कितने वोल्टेज का आउटपुट होने चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो गलत है या कम है तो भी वो गलत है। तो देखिए ये जो डायोड होता है जो 110 का डायोड, 110 का मतलब 110 वोल्ट बोलते हैं इसको, इस पर हमें वोल्टेज सेट कर लेना है हमेशा इस प्रीसेट की हेल्प से। ये प्रीसेट होता है जिससे हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 110 से ऊपर नहीं होने चाहिए, मिनिमम 108 होने चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं अगर पिक्चर की विड्थ कम आ रही है तो उसको बढ़ाने के लिए यहाँ से प्रीसेट से वोल्टेज 115 कर देते हैं, जो कि गलत तरीका है। उसका तरीका ये है कि यहाँ पर पॉलीकैप वैल्यू चेंज करनी होगी आपको। तो चलिए वो चीज़ एक अलग है, वो भी बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ हमारे 108 या 110 वोल्ट हमें सेट कर देने, उसके बाद यहाँ पर 24 25 या 26 27 वोल्ट तक यहाँ तक इस वर्टिकल IC के लेकर जाते हैं तो ठीक है। तीसरी चीज़ आती है जो हमारे IC को वोल्टेज देता है 5 वोल्ट, वो ये डायोड देता है। यहाँ पर 10 से 12 वोल्ट के करीब होते हैं जो आगे कम हो जाते हैं, जिन्हें डायोड की हेल्प से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं साउंड के वोल्टेज। साउंड के वोल्टेज हमेशा 13 वोल्ट से ऊपर होने चाहिए और 17 वोल्ट से कम होने चाहिए। अगर इस 17 वोल्ट से ऊपर होंगे तो हमारे साउंड IC परफेक्टली काम नहीं करेगी। अब देखिए साउंड सेक्शन की अगर बात करें तो साउंड वाली इस पिन पर जो पहली इनपुट की पिन है, इस पर हमेशा 15 या 16 वोल्ट आने चाहिए। और यहाँ पर एक 116 कैपेसिटर होता है, 116 मतलब 100 माइक्रोफेराड 16 वोल्ट में, या आप ज़्यादा वोल्ट में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उससे। उससे क्या होगा, अगर ये आपका ख़राब है तब साउंड बहुत कम आएगा, मतलब बहुत लो साउंड आएगा। और ये जो हमारा मेन फिल्टर होता है आउटपुट का साउंड के लिए, इसकी वैल्यू होती है 470 माइक्रोफेराड। 25 वोल्ट या 16 वोल्ट तक भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, 220 भी हम यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसकी जो ये पॉजिटिव वाली पिन है, इस पर हमेशा यहाँ 6 या 7 वोल्ट होने चाहिए। अगर 6 या 7 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा साउंड सेक्शन ठीक है। दूसरी चीज़, अगर साउंड में ऑन करते टाइम पट पट की आवाज़ आती है तो उस रीज़न में क्या होगा, ये यहाँ पर जीनर लगा हुआ था, इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या फिर यहाँ पर ट्रांजिस्टर 18-15 लगता है वो ना लगे, कोई गलत लगा हुआ है, या फिर वो कहीं से शॉर्ट है, तब ये प्रॉब्लम आएगी। बाकी इसमें कोई इतनी ज़्यादा टेक्निकल चीज़ नहीं होती साउंड में। साउंड में यहाँ पर अगर सब चीज़ ठीक है तो जो मेन साउंड है वो यहाँ से आता है। यहाँ देखने के लिए यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं, 150 हो या 0.4750 या 1050, कोई सा भी कैपेसिटर हो सकता है, उसको एक बार चेक कर लीजिए तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल जाए। तो मैं आपको बता दूँ साउंड, ये साउंड की पिन है, ये यहाँ पर ऑडियो इन होती है, ये वीडियो इन की है, ये दोनों ऑडियो इन की है। ये अलग अलग IC के हिसाब से हम किसी भी ऑडियो ले सकते हैं। हमने क्या करा, हमने यहाँ पर देखिए ये गैप है इसका, हम चाहे तो यहाँ से भी ऑडियो ले सकते हैं, और हमने इस कैपेसिटर से ऑडियो लिए इसमें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमेशा 2 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए, यहाँ पर भी 2 वोल्ट से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारा जो IC साउंड या वीडियो लेने के लिए कैपेबल है हमारी, उसमें कोई और प्रॉब्लम है जिस वजह साउंड नहीं आ रहा। दूसरी जाती है साउंड के लिए एक कैपेसिटर होता है ये वाला, मैं आपको दिखा दूँ ऊपर से, ये वाला कैपेसिटर, ये अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी हमारा साउंड नहीं आएगा। तो देखिए एक फोल्ट को देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे मैंने बताया साउंड में दिक्कत है अगर, तो ये कैपेसिटर देखना होगा, इसको देखना होगा, और बाकी आपको जो सब साउंड सेक्शन है कैपेसिटर है उनको एक बार चेक करना होगा। अगर वो सब ठीक है तो साउंड आपका परफेक्टली आ जाएगा। तीसरी चीज़ आती है इसमें, देखिए IC हमेशा कुछ कई बार ऐसा होता है स्टैंड बाई वोल्टेज आ जाते हैं, मतलब किट ऑन हो जाती है, लेकिन जो फ्लाईबैक जो EST हमारी है बिट, ये ऑन नहीं हो पाती। उसका लिए सबसे पहले चेक करना होगा हमें, यहाँ ये ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 ट्रांजिस्टर हैं। देखिए इनकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है और क्या क्या लगा सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। ये हमने 2655 यूज़ किया है इसमें, आप चाहो 3807 भी यूज़ कर सकते हो दोनों जगह। 2383 ट्रांजिस्टर जो बेस में लगता है कलर के लिए वो भी यूज़ कर सकते हो, 2482 भी यूज़ करते हो, ये सारे ट्रांजिस्टर यहाँ पर आराम से परफेक्टली वर्क करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा हमेशा 2383 ही यूज़ करें क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए दोनों 2383 ट्रांजिस्टर मान लीजिए, तो इस पिन पर 8 वोल्ट आने चाहिए और इस पिन पर 5 वोल्ट। किट ऑन होने के लिए यहाँ 8 वोल्ट आने ज़रूरी हैं। अगर यहाँ 8 वोल्ट नहीं बनते तो उसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि मेमोरी को 5 वोल्ट नहीं मिल रहे, दूसरा ये कि मेमोरी को 5 वोल्ट मिल रहा है लेकिन SCL और SDL वाली पिन पर 5 वोल्ट नहीं है। इन दोनों पिनों को चेक करना, अगर इन पर भी पूरे वोल्टेज नहीं है तब आपको देखना है कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। IC को ओपन करके देखना है कि हाँ कहीं से वोल्टेज ड्रॉप, कहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। और अब फिर पता ना चला तो एक बार इस बीच वाली पिन को और इस 8 पिन वाली पिन को शॉर्ट करके देख लेना है। अगर ऑन करने पर हमारा बूस्ट होती है EST, तो इसका मतलब 8 वोल्ट के बाद जो IC का फंक्शन है वो सब ऑन है, 5 वोल्ट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। और उसके बाद ये वाला ट्रांजिस्टर, ये जो 5 वोल्ट बनाता है, ये 5 वोल्ट इसलिए बनाता है, इसके 5 वोल्ट एक तो वर्टिकल IC को जाते हैं जिससे वर्टिकल सेक्शन काम करता है, और एक हमारे वीडियो के लिए जाते हैं। यहाँ पर वीडियो के लिए अगर 5 वोल्ट नहीं जाएंगे तो पिक्चर पर रिट्रेस लाइन आएंगी, वीडियो नहीं आएगी।
तो इसलिए 5 वोल्ट और 8 वोल्ट बनने जरूरी है। आईसी हमेशा 2 वोल्ट से ऑन होती है, पहला वोल्ट है 5 वोल्ट, दूसरा है 8 वोल्ट। 8 वोल्ट इस पिन पर जाते हैं यहाँ ग्राउंड के पास में, और 5 वोल्ट दो पिनों पर जाते हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इसमें से एक पिन डिस्प्ले की होती है। डिस्प्ले का मतलब होता है कि जब हम रिमोट से कोई की प्रेस करते हैं तो वहाँ पर मेन्यू वगैरह चार्ट जो भी लिखा हुआ है वो डिस्प्ले के लिए जाता है, ठीक है। अब चलिए थोड़े से वर्टिकल सेक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो ये वर्टिकल आईसी होती है जिसकी वैल्यू होती है 78040। इसमें 3 पिन पीछे की तरफ होती हैं, 4 आगे की तरफ होती है। तो देखिए जो बीच वाली पिन होती है वो तो ग्राउंड होती है। अब इन साइडों वाली पिन की बात करें तो ये वो VCC की इनपुट पिन होती है, मतलब ये वोल्टेज लेती है। जो ये वाली पिन होती है ये डायरेक्ट वोल्टेज लेती है, जो हमारे SMPSC से ट्रांसफार्मर से आए थे 25, 26, 27 जितने भी वोल्ट आए थे वो लेती है। दूसरी पिन को भी वोल्टेज दिए जाते हैं, लेकिन एक 4000 सा डायोड की हेल्प से दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इतने इतने वोल्ट हैं तो वर्टिकल सेक्शन सही है। दूसरी चीज़ आती है, अब आगे की जो फॉल्ट आता है वो हमेशा आगे की इन पिनों से आता है। तो देखिए इन पिनों में मैं आपको बता दूँ, जितने वोल्ट इस पिन पर आएंगे लगभग उतने ही वोल्ट इस पिन पर आने चाहिए दोनों साइडों की पिन पर, मतलब 3 पॉइंट के समथिंग कुछ वोल्ट इस पिन पर आने चाहिए, 3 पॉइंट के समथिंग इस पिन पर। और जो इस पिन के पास वाली पिन है यहाँ पर 1 वोल्ट से हमेशा कम होना चाहिए, क्योंकि ये एक कैपेसिटर होता है 100 MFD का, उससे बाईपास होकर आते हैं ये वोल्ट। अगर ये कैपेसिटर ख़राब है या ओपन है तब क्या होगा, जैसे ही आप किट ऑन करोगे तुरंत वर्टिकल आईसी हमारी ख़राब हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले इसको चेक करें, ठीक है। अब आती है मेन पिन जो कि वर्टिकल सेक्शन बनाती है। तो देखिए यहाँ पर 12, 15, 16 तक वोल्ट अगर होते हैं तो आपका वर्टिकल सेक्शन आराम से काम कर जाएगा। कई बार क्या होता है ये आईसी हीट होने लगती है, उस केस में क्या होता है कहीं ना कहीं ऑन होने पर ये इंटरनली शॉर्ट हो जाती है। दूसरी यहाँ पर एक 33K की पोली होती है, कुछ लोग 104 पोली यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ उसको पता नहीं होता गलत जगह यूज़ कर लेते हैं। अगर आप 104 पोली यूज़ कर रहे हो तो आपको इस सेक्शन में काम यूज़ करनी है, मतलब इन दोनों को शॉर्ट करने के बाद यूज़ करनी है, और 33K की यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो ये हमारा वर्टिकल सेक्शन वगैरह ये सब होने के बाद वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, मतलब वर्टिकल सेक्शन ओपन नहीं हो रहा, तब हमें यहाँ पर 104 पोली होती है 100K पोली उसको चेक करना है। यहाँ पर 4 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच आने चाहिए, 5 वोल्ट नहीं होने चाहिए और 4 से कम वोल्ट नहीं होने चाहिए इस 100K की पोली पर। ये पोल लगी हुई है यहाँ पर, हमेशा 4 वोल्ट से ज़्यादा और 5 वोल्ट से कम होने चाहिए। अगर ये हैं तो हमारे जो ये सेक्शन भी ठीक काम कर रहा है। उसके बाद एक और पिन आती है ये वाली, जैसे इसके पास वाली, इस पर हमेशा इससे थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज होने चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर 3 वोल्ट करीब ड्रॉप हो जाने चाहिए। अगर ड्रॉप नहीं होते हैं तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करनी होगी कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरी कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक होता है, सारे वोल्टेज ठीक है, लेकिन फिर भी वर्टिकल सेक्शन काम नहीं करता। उसके छोटा सा रीज़न होता है जो हमारे कैपेसिटर लगा होता है, उसको 1000 माइक्रोफैराड बोलते हैं, 1000 माइक्रो 35 वोल्ट में लगाते हैं अधिकतर। तो उसमें क्या होता है, अगर इसकी जो ग्राउंड वाली पिन है 1 ओम की रेजिस्टेंस है, 2.2 ओम यूज़ करते हैं लोग अलग अलग पिक्चर ट्यूब के हिसाब से, वो अगर ओपन है तो आप ढूंढते रह जाओगे, आपको फॉल्ट पता नहीं चलेगा कहाँ से है, और एक छोटा सा फॉल्ट रहेगा जबकि, ठीक है। जो कि पॉजिटिव पे वोल्टेज दिखाएगा लेकिन नेगेटिव के वोल्टेज आप चेक नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको भी मीटर को कंटिन्यू टिपिक करके एक बार चेक कर लीजिए कि क्या ये 1 ओम की रेजिस्टेंस काम कर रही है या नहीं। अब देखिए अब बात आती है कि सब कुछ ठीक है हमारा वर्टिकल सेक्शन, तो बाद में देखेंगे किट ऑन है लेकिन वाइट स्क्रीन आ रही है, सिर्फ वाइट स्क्रीन, मतलब बूस्ट ना होकर सिर्फ वाइट स्क्रीन आ रही है। उसके रीज़न होता है एक तो ये क्रिस्टल होता है जो 8 MHz का क्रिस्टल है, ये अगर डैमेज हो चुका है तब आता है, या फिर ये 22 PF लगे हुए होते हैं दो क्रिस्टल पर, ये अगर शॉर्ट हैं या फिर ये ख़राब हैं तब आते हैं। देखिए अगर ओपन होंगे तो भी पिक्चर आपकी आ जाएगी लेकिन पिक्चर ब्लैक एंड वाइट आएगी, इसलिए 22 PF अगर आप नहीं लगाओगे 22 PF भी चल जाएगा, 10 PF भी, 18 PF भी, 33 PF भी, 47 PF भी, 56 PF तक भी आप चला सकते हो, लेकिन ज़्यादा अगर वैल्यू और PF लगाओगे तो वो क्रिस्टल पर काम नहीं करेगा, क्रिस्टल ऑन किट ऑन ही नहीं होगी। उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ से पिन शॉर्ट करके देख लेनी है 8 वोल्ट बन रहे हैं या नहीं, बनने के बाद अगर वाइट स्क्रीन आती है तो इसका मतलब इतने सेक्शन का फॉल्ट है, सिर्फ इतने का। अगर आपने 8 वोल्ट दिए अपनी तरफ से मैन्युअली 8 वोल्ट दिया आईसी को और स्क्रीन वाइट आती है सिर्फ, तो इसका मतलब सिर्फ इतने सेक्शन में आपको काम करना है और कहीं नहीं जाना है। उस केस में क्या होता है, या तो ये आपका 10-15 ट्रांजिस्टर ये ख़राब हो सकता है, या फिर इस पर एक जीनर लगा हुआ है 3.6 वोल्ट का, ये ख़राब होता है। यहाँ पर आप चेक करिए अगर 3.6 वोल्ट नहीं बन रहे तो इसका मतलब जीनर ख़राब है, 5 वोल्ट बन रहे हैं। तो दूसरी चीज़ अगर यहाँ देखिए आईसी तो 5 वोल्ट से ऊपर 6 वोल्ट पर भी ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर 6 वोल्ट पर ऑन होती है आईसी तब क्या होगा, आपका रिमोट काम नहीं करेगा। तो उसके लिए जीनर लगा दिया हुआ है यहाँ पर 5 वोल्ट का, अगर इससे जो ओवर वोल्टेज बन रहे हैं तो ये आपका जीनर ख़राब है। इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी आईसी ऑन हो जाएगी लेकिन रिमोट आपका काम नहीं करेगा। एक चीज़ और होती है कब रिमोट काम नहीं करता है, इस पैनल की वजह से जो की होती है, अगर ये की पर ये हमारे 10K का PF लगा होता है, अगर ये PF शॉर्ट है या ख़राब है तो ना तो आपका पैनल ठीक से काम करेगा ना ही रिमोट काम करेगा। दूसरी चीज़ इसी पिन पर
जो तीसरे नंबर की पिन होती है, यहाँ से इसी पिन पर एक 10 के रेजिस्टेंस से ग्राउंड करा हुआ होता है। अगर ये रेजिस्टेंस ओपन है या इसकी वैल्यू गलत है तब भी क्या होगा ना, तब भी आपका ना रिमोट ठीक से काम करेगा ना पैनल काम से ठीक से काम करेगा। ठीक है, तो अब चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं हम इस सेक्शन के बारे में जो हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन है। तो देखिए, अगर जैसे मैंने अभी बताया वर्टिकल में कोई प्रॉब्लम है तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, और अगर वर्टिकल सेक्शन ठीक है हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम तो एक सीधी वर्टिकल लाइन आएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए अधिकतर वर्टिकल लाइन अगर आती है तो मोस्टली में होता है कि ये जो पोली होती है ये 474 के की पोली, मतलब 470 के की जो पोली होती है, कुछ 394 भी लगाते हैं, ये अगर ख़राब है तब आपका क्या होगा, एक सीधी लाइन आएगी। दूसरी चीज़, आपको योक वायर लगा के इन दोनों पर कंटिन्यूटी चेक कर लें, कंटिन्यूटी अगर आ रही है तो तब 100% आपकी यही पोली खराब है या इसके आसपास के प्रिंट देख लेने कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब देखिए तीसरी चीज़, एक और मैं आपको बता दूँ, कई बार पता नहीं चलता है टेस्ट करते टाइम कि यहाँ किट ऑन हो चुकी है या नहीं। उसका सिंपल सा तरीका है, अगर किट ऑन नहीं हुई है, मतलब अगर ESD आपकी ऑन नहीं है, तब अगर आप मीटर को DC पर रखकर इसके कलेक्टर पर वोल्टेज चेक करोगे, अगर किट ऑन नहीं हुई है तब यहाँ 110 वोल्ट पूरे दिखाएगा, 110 से 108 वोल्ट जितने यहाँ दिखा रहे हैं डायोड पर उतने ही वोल्ट यहाँ आएंगे मीटर में। लेकिन अगर किट ऑन हो चुकी है, आपको पता नहीं चल रहा है ऑन है या नहीं है, तब यहाँ पर वोल्टेज रखोगे तो यहाँ पर वोल्टेज नहीं दिखाएगा, यहाँ पर आपके 200 पर अगर मीटर रखते हो तो यहाँ वोल्टेज नहीं दिखाएगा। वो इसलिए क्योंकि वो फिर पल्स में, वो वोल्टेज पल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए फिर वोल्टेज नहीं दिखा रहा, यहाँ वोल्टेज नहीं दिखा रहा है और ऑफ करने पर ओपन करने पर वोल्टेज दिखा रहा है यहाँ। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी किट ऑन हो चुकी है अगर यहाँ वोल्टेज नहीं है तो। अब बात आती है कि डिस्प्ले नहीं आ रही, मतलब फिलामेंट ऑन नहीं हो रहा। देखिए फिलामेंट के लिए सिंपल सी एक रेजिस्टेंस लगी होती है 1 ओम की, मैं आपको दिखा दूँ, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है। उसको पता नहीं होता कि इसके वोल्टेज कैसे चेक करने, तो मैं बता दूँ, इसके वोल्टेज चेक करने के लिए आपको हमेशा मीटर को AC पर रखना है, तब इसके वोल्टेज चेक करने, इस रेजिस्टेंस को, इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज चेक करने के लिए आपको रेजिस्टेंस को एक साइड से ओपन करना होगा। यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ओपन करके मीटर का पॉजिटिव यहाँ पर लगाइए और ग्राउंड कहीं से भी ले लीजिए, यहाँ अंदर से कहीं से भी, अगर 3 से 5 वोल्ट के बीच आ रहे हैं, 3.5 हो, 4 हो, 4.5 हो या 5 वोल्ट भी हो, तब भी इसका मतलब है कि आपकी रेजिस्टेंस काम कर रही है। फिर आपको क्या करना है, इस बेस को पिक्चर ट्यूब में लगाकर, जो इसकी हीटर वाली पिन है, एक पर HC लिखा हुआ है, एक पर ग्राउंड है, उन पर कंटिन्यूटी पर रखकर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है आपकी पिक्चर ट्यूब के अंदर का फिलामेंट खराब हो गया। अगर पिक्चर ट्यूब के अंदर का फिलामेंट खराब हो जाता है उस कंडीशन में वो पिक्चर ट्यूब खराब हो जाती है, इसलिए वोल्टेज नहीं बन पाता। अब देखिए, एक्चुअली थोड़ा सा इस BU के बारे में जान लेते हैं। ये 1803 BU होता है, ठीक है, 1803 की जगह पर चल जाएगा, लेकिन 1803-2 की जगह पर नहीं चलता। अब इसको ऑन करने के लिए, जैसे इसको ऑन करने के लिए हमने 2600 ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, ऐसे इसको ऑन करने के लिए ड्राइवर यूज़ होता है, इसको HDT बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्राइव ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इसमें ये कलेक्टर होता है बीच वाला, और ये वाली पिन इसकी एमिटर होता है जो डायरेक्ट मतलब ग्राउंड से कनेक्ट होती है, और ये इसका बेस होता है। इस बेस को हम इस HDT की हेल्प से बूस्ट करते हैं। अब HDT को ऑन करने का 23 तरह से ट्रांजिस्टर होता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इस ट्रांजिस्टर पर एक पिन इसकी ग्राउंड होती है, दूसरी जो हमारे वर्टिकल IC को वोल्टेज जा रहे थे 25-26 जो भी वोल्टेज थे वो ट्रांसफर होकर यहाँ था, उसी वोल्टेज से वर्टिकल IC चलती है, उसी से हमारा हॉरिजॉन्टल ड्राइव ट्रांसफार्मर ऑन होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर बीच वाली पिन पर अगर इतने ही वोल्टेज आ रहे हैं जितने हमारे यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब सही है, और अगर सब कुछ ठीक है, 8 वोल्ट ही बन रहे हैं, सब कुछ है, वो नहीं हो रहा, तब क्या होगा, इस पिन पर 0.3 वोल्ट आने चाहिए। अगर इस पर 0.3 वोल्ट नहीं आ रहे, इसका मतलब आपके IC में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। अगर 8 वोल्ट बनकर यहाँ से जा रहे हैं, जैसे ही 8 वोल्ट यहाँ जाएंगे तो तुरंत H वाली पिन से वोल्टेज रिलीज होंगे, यहाँ आते आते 0.3 वोल्ट कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर 0.3 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं फिर भी ऑन नहीं हो रही, तो एक बार इस पर कंटिन्यूटी चेक करिए, दोनों पर इन पर आपस में बज रहे हैं तो ठीक है, या फिर चेंज करके देखिए। अगर चेंज करने के बाद भी नहीं बने तो फिर BU चेंज करिए, आपकी सप्लाई आपकी ESD बूस्ट हो जाएगी। अब चलिए थोड़ा सा ये 5 पिन की, तो अब देखिए अभी हम बात कर रहे थे इस सेक्शन की। तो देखिए यहाँ पर जैसे 1 ओम के बारे में बता दिया, अब यहाँ पर एक कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 माइक्रोफैरड 250 वोल्ट में, या 15 भी यूज़ कर सकते हैं, 22 भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ लिखा 10 माइक्रोफैरड 200 वोल्ट में यूज़ किया हुआ हमने, ठीक है, इस टाइप से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर यहाँ पर जो है वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज हमेशा इस डायोड से पहले वोल्टेज 110 वोल्ट रहेंगे,
जो यहाँ थे, क्योंकि इन्हीं वाइंडिंग से पार होकर वो यहाँ जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही डायोड पार कर कैपेसिटर लग जाएगा तो यहाँ पर 180 वोल्ट, 165 वोल्ट, 170 वोल्ट समथिंग हो जाएंगे। अगर ये नहीं होते तो फिर आपको फॉल्ट देखना होगा कि वो कहाँ पर फॉल्ट है, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और वही वोल्टेज हमारे बेस में आते हैं। ये बेस में 15K या 12K की रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। इन सबको एक तरफ से 180 वोल्ट मिलते हैं, दूसरी पिन हीटर की होती है, तीसरी ग्राउंड की होती है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा कलर के बारे में जान लेते हैं। तो कलर देखिए, तीन कलर रिलीज़ होते हैं किसी भी किट में से। पहला होता है ब्लू, दूसरा ग्रीन, तीसरा रेड। ब्लू वाले पर 3 वोल्ट का समथिंग, ग्रीन वाले पर भी 2 पॉइंट का समथिंग, और रेड वाले पर भी 2 पॉइंट के समथिंग की वोल्टेज होना चाहिए। अगर नहीं है, डिस्प्ले नहीं आ रही, कई बार क्या होता है सब कुछ ठीक है डिस्प्ले नहीं आ रही, उस केस में आपको जो यहाँ से एक प्रिंट आता है इस टाइप से, ये पोली है 2K7 की, इस जीनर के पास ये अगर ओपन है या इसका प्रिंट टूटा हुआ है, उस केस में क्या होगा, स्क्रीन ही नहीं आएगी आप, ठीक है। तो ये इसमें वो जो है कलर का कुछ होता है, जो कलर का होता है थोड़ा सा ये। अब अगर हम बात करें इसके थोड़ा सा बेस सेक्शन की, तो देखिए यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो होते हैं, तीनों सेम ट्रांजिस्टर होते हैं हमेशा। 2383 भी यूज़ कर सकते हैं, 2482 या 2229 या 422, कोई सा भी ट्रांजिस्टर हम यूज़ कर सकते हैं। ये PF होते हैं, 470 PF यूज़ कर सकते हो, 390 PF या 501 PF यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा वैल्यू का यूज़ करोगे तो कलर में थोड़ा डार्कनेस आ जाएगा। यहाँ पर 56 PF, 47 PF, कोई सा PF यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 100 PF से ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये PF और ये भी पैरेलल में होते हैं। इस कंडीशन में क्या हो, 470 का अगर ये है और हमने अगर 100 का ये करें तो 570 हो जाएगा, जिससे क्या होगा कलर में हमारे फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर पिक्चर क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप एक बार बेस भी चेक कर सकते हो, बेस की सारी पिनें, और अगर धुंधली पिक्चर है ज़्यादा, FBT से भी ठीक नहीं हो रही, तो आप बेस भी चेंज कर सकते हो। अब चलिए थोड़ा जान लेते हैं IR सेक्शन के बारे में। तो देखिए IR का तो बिल्कुल बहुत सिंपल सेक्शन होता है ये। यहाँ पर हम इसमें IR लगा दें, यहाँ पर की लगा देते हैं। जैसे हम किट ऑन करेंगे तो हमारी जो LED है ये ग्लो होने लगती है, इसका मतलब हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं। और अगर IR हमारा काम नहीं कर रहा तो इसकी ये जो ये वाली पिन होती है, ये पिन आउटपुट की होती है, इस पर वोल्टेज चेक करने लेना है कि ये कहीं 5 वोल्ट शॉर्ट तो नहीं है। या फिर कुछ कंडीशन में ये भी होता है, मैं आपको बता दूं, किट अगर ऑन नहीं होती है तो हमें सबसे इसकी जो पहली वाली पिन है यहाँ पर, इसको चेक कर लेना है कि यहाँ पर 2 वोल्ट के समथिंग, अगर यहाँ 2 वोल्ट के समथिंग है तो आपकी किट ऑन नहीं होगी, आपको 5 वोल्ट चेक करने होंगे SCL SDL पर कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं किट ऑन हो रही है, ठीक है। और अगर यहाँ 0 वोल्ट दिखा रहा है मीटर पे, 5 वोल्ट ही बने किट ऑन नहीं, यहाँ 0 वोल्ट दिखा रहा है, इसका मतलब आपकी मेमोरी सही काम कर रही है, फॉल्ट इस सेक्शन में है कहीं ना कहीं, मतलब यहाँ से ये रेजिस्टेंस सारी अगर ठीक है तो फॉल्ट इतने सेक्शन का है, अगर इस पहली वाली पिन पर वोल्टेज आपके 0 हैं।